सिद्धि हिंदी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की यूट्यूब के इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मिथिला हार्दिक जानी अकाउंट सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाली हूँ। आप हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 4 साझेदारी का पुनर्गठन। तो उसमें हम आज आगे बढ़ते हैं। कुल 5 टॉपिक थे। पहले वीडियो में बता दिया था आपको कि प्रस्तावना, उसके बाद पुनर्गठन के कारण, तो वो 2 मुद्दे थियोरी के होने के बाद सवाल शुरू हो रहे, उसके बाद थोड़ी थियोरी आएगी। तो आज पहला सवाल हम शुरू करेंगे, त्याग के प्रमाण का एक सवाल हम करेंगे आज। तो उसका सूत्र, पहले त्याग का सूत्र हम देख लेते हैं। त्याग का सूत्र है त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। तो सवाल देखते हैं पहले। उदाहरण 1 किताब का ही सवाल लिया है, उदाहरण नंबर 1 है और आपकी किताब में वो आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास किताब है तो आप किताब में भी देख सकते हैं, पेज नंबर 109, यह पेज पर आपको यह सवाल मिलेगा। ठीक है, तो सवाल पढ़ते हैं हम लोग। राम श्याम और घनश्याम एक साझेदारी पेढ़ी में समान हिस्से में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। समान हिस्से मतलब 1-1-1 इक्वल। सभी साझेदारों ने लाभ हानि वितरण के प्रमाण को बदलकर भविष्य के लिए क्रमशः 3-2-1 करना निश्चित किया है। इस संजोग में साझेदार ने कितना त्याग किया वह बताइए। यहाँ पर मैं फुल स्टॉप डालना भूल गई हूँ। अब आप ये बताइए, इसमें आपको 2 अनुपात दिया है, एक समान अनुपात और एक दिया है 3-2-1। तो आपको पहले पहचानना है कौन है पुराना और कौन है नया। इससे पहले के वीडियो में बहुत बार चर्चा हो चुकी है और बता चुकी हूँ, जो बदल कर नया अनुपात कारणवश जो बदल कर नया अनुपात ज्ञात करते हैं उसे यहाँ पर बदल कर मतलब उसे नया अनुपात कहा जाता है 3-2-1। और उससे पहले जो ऑलरेडी पुराना साझेदार है और अनुपात है जो पुराना है, यानी कि समान है वो पुराना अनुपात है और बदल कर जो तय किया है वो नया अनुपात है। तो हम देखेंगे यहाँ पर राम श्याम घनश्याम और कुल, पुराना प्रमाण 1/3। अब तीनों में 1-1 है, 3 कहाँ से आया? तो इन 3 साझेदार है, तीनों का 1-1 का टोटल 3 होता है, इसलिए भाग में आ गया 3। नया प्रमाण, तो नया प्रमाण सवाल में देखेंगे 3-2-1, तीनों का टोटल कितना होता है 6। तो 3 राम श्याम और घनश्याम क्रमशः, तो 3 है वो राम का है, 2 है वो श्याम का है, 1 है वो घनश्याम का है। तो 3/6, 2/6 और 1/6, 6 कहाँ से आया? तो उन तीनों का टोटल 3-2-1 का टोटल हुआ 6, तो भाग में वो आता है 6। अब सवाल शुरू करेंगे। तो सवाल में पहले हम लगाएंगे सूत्र। सूत्र क्या है? साझेदार ने किया त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। तो राम ने कितना त्याग किया वो देखेंगे। तो पुराना राम का कितना है आगे के सवाल में हमने देखा, 1/3 है वो पुराना है, और 3/3 आप देखोगे यहाँ पर, 1/3 है वो पुराना और 3/6 है वो नया है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 1/3 माइनस 3/6। तो अब मैंने 6/18 और 9/18 कहाँ से लाई? तो ये लसह की विधि है कि 1 के नीचे भी 3 है और 3 के नीचे 6, दोनों का लसह लेंगे तो 18। ये 5वीं 6वीं में आप सीख चुके हो, फिर भी इसको और डीप में मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बाद ही समझ में आएगा, देखते हैं हम आगे। तो दोनों का लसह होता है 18, 6 × 3 = 18। तो दोनों के नीचे लिख दिया है 18। अब 3 को 18 बनाने के लिए 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो नीचे 3 को हमने 6 से गुणा किया तो ऊपर 1 को भी 6 से गुणा करेंगे, और यहाँ पर 6 है उसको 18 बनाया 3 के साथ गुणा करके, ऊपर भी 3 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9। तो 6 में से 3 9 गया तो -3/18 आया। उसी के बाद श्याम का त्याग, श्याम का पुराना है 1/3, नया है 2/6, माइनस करेंगे, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आना चाहिए, यहाँ पर भी दोनों का लसा 18 हो जाएगा। 3 को 18 करने के लिए 6 से गुणा किया तो ऊपर 1 को भी 6 से गुणा करेंगे तो 6/18 हो गया, माइनस का निशान। अब 6 को 18 करने के लिए 3 से गुणा किया तो 2 को भी 3 से करेंगे, 2 × 3 = 6, 6/18। अब 6 में से 6 गया तो उत्तर आ गया 0। घनश्याम का त्याग,
तो घनश्याम का पुराना है 1/3, नया है 1/6, तो दोनों 6 और 3 को 18 बनाने के लिए, 3 को 18 बनाने के लिए 6 किया तो 1 को भी 6 से गुणा करेंगे, और इस 6 को 18 बनाने के लिए 3 से गुणा किया तो यहाँ पर भी 3 एकम 3, यानी 6/18 - 3/18, यह आ गया 3/18। इसी सवाल को और मैं अच्छी तरह से अपने हाथ से लिखकर आपको समझाती हूँ तो ज़्यादा आपको डीप में समझ में आएगा। पुराना अनुपात है समान, मतलब 1/3, 1/3, 1/3, 3 कहाँ से आया तो समान है 1, 1, 1, इन तीनों का टोटल होता है 3। नया अनुपात है 3, 2, 1, मतलब 3/6, 2/6, 1/6। त्याग का सूत्र, त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। त्याग का सूत्र इसलिए लगा क्योंकि सवाल में हमें त्याग ढूंढने को कहा गया है। राम श्याम और घनश्याम तीनों के हिस्से यहाँ पर बना लिए है, तो अब हम सूत्र के अनुसार यहाँ पर देखेंगे राम ने त्याग किया, श्याम ने त्याग किया कि नहीं। तो सूत्र में क्या लिखा है, पुराना भाग, तो ये पुराना भाग है राम का 1/3, माइनस का निशान है। फिर क्या कहा गया है, नया भाग, तो ये नया भाग है 3/6। उसी तरह श्याम का भी, श्याम का पुराना भाग है 1/3 और नया है 2/6, वही लेंगे 1/3 - 2/6। और घनश्याम का 1/3 पुराना है और 1/6 नया, वो 1/3 - 1/6। अब खास देखो जो वहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा, इस तरह से गुणा करना है इस निशान के अनुसार। यहाँ पर 6 * 18, इन दोनों का नीचे दोनों का गुणा करना है, फिर क्रॉस में 1 के साथ 6 का गुणा, 1 * 6 माइनस का निशान, फिर 3 का गुणा 3 के साथ, 3 * 3 = 9, ठीक है, इस तरह से गुणा करना है। अब 6 में से 9 गया तो 3/18। अब इसी तरह यहाँ पर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू का निशान, क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, कितना हुआ 18। अब 1 के साथ किसका, 6 का, क्रॉस में 1 * 6 तो ये 6 माइनस का निशान, फिर 2 के साथ 3 का, 3 * 2 = 6, यानी कितना हुआ 0/18, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू। उसी तरह 6 * 18, 1 के साथ 6 * 18, 1 के साथ किसका, 6 का, 6 * 6 माइनस का निशान, 1 के साथ किसका, 3 * 1 = 3। उत्तर आया 6 में से 3 गया तो 3/18। अब ये माइनस में है, सूत्र त्याग का है, माइनस है तो ये त्याग नहीं है, ये लाभ है। यहाँ पर इसको ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है क्योंकि 0 उत्तर, और यहाँ पर तो ये उत्तर प्लस में है, तो त्याग का सूत्र उत्तर प्लस में है तो ये त्याग है। त्याग का सूत्र और जो उत्तर प्लस में है उसे हम क्या कहेंगे, त्याग, और जो उत्तर माइनस में उसे क्या कहेंगे, लाभ। तो यहाँ पर घनश्याम है वो त्याग कर रहा है और राम को लाभ प्राप्त रहा है, घनश्याम ने जितना भी त्याग किया उतना राम को मिल गया, तो ये यहाँ पर सवाल हुआ। तो सवाल के बाद आपको होमवर्क दिया जा रहा है। होमवर्क में पहला सवाल है, त्याग के प्रमाण में लाभ, सॉरी, त्याग के प्रमाण में और लाभ के प्रमाण के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। और दूसरा सवाल है, कोमल, रूपा और करिश्मा साझेदारी पीढ़ी के साझेदार है, वे लाभ हानि 3, 2, 1 के प्रमाण में बांटते हैं, सभी साझेदार ने भविष्य में लाभ हानि वितरण का प्रमाण 5, 3, 2 करना निश्चित किया है, इस जानकारी पर से त्याग का प्रमाण की गणना कीजिए। यह सवाल आपको किताब में पेज नंबर 139 पे मिलेगा, 139 पर ये किताब में 5वें नंबर का सवाल है जो मैंने आपको गणना के लिए दिया है। ये आज का आपका होमवर्क है। अच्छा, अब आपके साथ कुछ पुरानी यादें शेयर करते हैं। तो ये
गणपति के समय आप सबने येलो डे मनाया था और येलो कपड़े पहन के आए थे और मैंने एक फ़ोटो खींचा था। बस यहाँ पर इतने अच्छे हंसते हंसते सबके चेहरे दिख रहे हैं, वैसे ही हम ये महामारी के समय में अभी अपने घरों में बैठे हुए हैं, सब एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, कोई गांव गया है। बस यही आपसे कहना चाहेंगे कि ऐसे ही हमेशा हंसते रहना और बहुत ही जल्द हम मिलेंगे, इससे हम कोरोना से लड़कर हमारा देश आगे आएगा और हम सब भी वापस मिलेंगे और वापस वही दिन पुराने वापस आएंगे हमारे साथ। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं।